मर्द शामिल लेके तो ऐसे मनुष्य हैं जिनको आदमी मेहनत से तारीफ से इबादत रियाजत से हासिल नहीं कर सकता। एक है नबूवत और दूसरी है विलायत। नबूवत और विलायत ये तो ऐसे अजीम मनसबों मरातिब हैं जो नहीं फजले इलाही से किसी को अल्लाह चाहता है तो अपने बंदों में से इस मनसबे खास के लिए नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया। कुरान करीम की आयत है वलाकिन रसूलुल्लाह वखातमुन नबियीन और सरकार फरमाते हैं अला खातमुन नबियीन ला नबिय्या बादी बेशक सारे नबियों का खातिमों में बात को नया पैगंबर आने वाला नहीं है और हमसे पाक में सरकार के असमा में से इसमें आकिब यानी सारे पैगंबरों के बाद कशीर डालने वाली जात जिसने कसरे नबूवत को मुकम्मल कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत के ताल्लुक से बड़ी तमसीली गुफ्तगु फरमाई है। एक महल तैयार किया और उस महल में बहुत हसीन और खूबसूरत महल तैयार है, उसमें एक ईंट की जगह खाली थी। मैंने आकर उसी ईंट की जगह को मुकम्मल कर दिया। कसरे नबूवत में कोई कमी नहीं रहेगी। अमन आकिब मैं सबसे बाद आने वाला पैगंबर हूँ। मेरे बाद अब कोई नया पैगंबर तो नहीं आएगा मगर अलमा वरसतुल अंबिया मेरे नियामत के फराइज उलमा देते रहे। उलमा उम्मती कम बनी आए कम भी आए बनी इसराइल जो बनी इसराइल के अंबिया काम करते थे हमारे उम्मत के उलमा काम करेंगे। यानी अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना भलाइयों का हुक्म देना ये हमारे उम्मत के उलमा और औलिया का काम है। मदरसा में नबूवत का दरवाजा तो खत्म हो गया लेकिन विलायत का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह के नबी ने औलिया इकराम के ताल्लुक से जो बातें इरशाद फरमाई हैं वो तो जाहिर है हम जिस नबी को मानते हैं उसके ताल्लुक से मेरा अकीदा है कि वो इल्मी माकाना भी रखता है इल्मी माय। यानी हुजूर के तशरीफ लाने तक दुनिया में जो कुछ हो चुका था हुजूर वो भी जानते हैं और कयामत तक जो कुछ होने वाला है अल्लाह के नबी को भी मालूम है। और इसीलिए आपने कयामत की अलामत कुबरा इमाम महदी का दूर होगा हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे दज्जाल का खुरूज होगा कौम याजूज और माजूज निकलेगी यमन से एक आग निकलेगी ये सब कयामत के अलामत कुबरा है। सूरत अच्छी से निकलेगा कौरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कयामत तक होने वाली बातों की इत्तला हमें दे दी। कयामत की अलामत कुबरा भी और कयामत के अलामत सुगरा तो आपके सामने जाहिर हो चुके हैं। तो हम जिस पैगंबर को मानते हैं उसके ताल्लुक से मैंने सुन्नत व जमात का अकीदा ही है कि वह आलम माकाना भी और आलम मायकून भी विलायत महज फजल इलाही है। इबादत व रियाजत से कोई वली नहीं बन सकता। इबादत व रियाजत ये अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जा करने का एक अजीम जरिया है लेकिन इबादत से आदमी बली ही हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये तो उसी वक्त होगा जब अल्लाह किसी बंदे पर खुसूसी फजलो करम फरमा देगा जैसा कि हदीस शरीफ में है मेरा बंदा मुझे नवाफिल के जरिए मेरा को हासिल करता रहता है फिर मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है मेरे न आंखों से पाक हाथ से पाक कदम से पाक। हदीस पाक का मतलब यह है कि जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ तो अब उसके हाथ पाँव और आंखों से ऐसी बातों का जोर होने वाला होता है जो अल्लाह की कुदरत खास की बुनियाद पर उसे हासिल होता है। उसके नजदीक दूर नजदीक सब बराबर हो जाता है। उस गैब का पैगंबर ने
जहां बहुत सारी चीजों की बशारतें दी, मगीबात की खबरें दी, उसी में और तो वो लकड़ाब कैसे इब्तला दी। अब ये भी आप समाप्त सालीम, एक दिन अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, दोपहर का खाना खाने के बाद। दोपहर का खाना खाने के बाद जो आराम किया जाता है, इसे अरबी जबान में कैलूला कहा जाता है और ये मेरे नबी की सुन्नत है। बादशाह में नमाज ज़ुहर पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे और कैलूला फरमाने के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर के खाना खाने के बाद हमारे आपके आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे थे। कैलूला में आपकी नींद लग जाती है, आप एक ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब नबी का है, हमारा आपका नहीं। नबी का ख्वाब वही है, हुक्म इलाही है। हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे को जमा कर रहा हूँ तो वाकई जमा करने के लिए चल पड़े, क्योंकि वो नबी का ख्वाब था और नबी का ख्वाब वही है, हुक्म इलाही है। पैगंबर ने ख्वाब देखा, एक बड़ा हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार महल है, बहुत खूबसूरत महल है, बहुत कुशादा भी है, बहुत बुलंद। अल्लाह के नबी ने क्या देखा, उसके दीवार पर हजरत औलादी जलवा फेंक रहे, दूसरी दीवार पर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ फरमाए, और तीसरी दीवार पर हजरत हसन मुस्तफा, और चौथी दीवार पर सरकार हुसैन जलवा। अल्लाह के नबी ने मंजर देखा, बहुत खूबसूरत, बहुत कुशादा, बहुत बुलंद मकान, बहुत बुलंद महल किला की तरह, और उसके चारों दीवारों पर हजरत मौला अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन जलवा फिर भी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते कि मैंने क्या देखा कि हुसैन के पुष्ट से नौ नूरी सुकून निकल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौ नूरी सुकून एक एक बार गिरे वो निकलते हैं, और उसी मजबूत और मुस्ताकम इलाके कुशादा शहर में एक एक बार गिरे नसब होते चले जाते हैं। और जब वो नौ नूर निकले और शहर में वो नसब हो गए, तो उस महल के हुस्न और जमाल में और खूब ज्यादा हो गई और आंखें चकाचौंध हो गई। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, हसन के पुष्ट से एक नूर निकला और वो नूरी सुकून बिल्कुल सहन के बीचों बीच में आकर के नसल हो गया। अब न सिर्फ वो महल है, बल्कि मैंने देखा कि उस नूर से पूरी दुनिया रोशनो ताबनाक हो गई। और जब पूरी दुनिया रोशनो ताबनाक हो गई, तो सरकार फरमाते फिर मैंने देखा एक ही बात निकले, वो जो नौ नूरी सुकून हजरत हुसैन के पुश्ते अनवर से निकले थे, वो सब जाकर उसी एक नूरी सुकून में जो हसन मुस्तफा के पुश्त से निकला था समा गए। सुभान अल्लाह, समा गए। सरकार फरमाते हैं मेरी आंख खुल गई, मैं इस ख्वाब की ताबीर सोचने लगे, क्या ताबीर हो सकती। आका फरमाते अभी मैं सोच ही रहा था कि परवरदिगार आलम की बारगाह जलील से तायरे सिदरा बुलबुले बाबे रिसालत हामिले वही इलाही
حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا خدا کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے علماء سے اب لوگ علماء کے علم کو جانچنے کے لیے یہ بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ جب اللہ سوال اپنے نبی کو سلام کرتا تھا تو نبی جواب کیا دیتا تھا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو ہم والد میں سلام دیتے ہیں. خدا تعالیٰ کو والد میں سلام نہیں کیا کرتا, کیونکہ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا, تو اللہ تو خود ہی سب کو سلامتی پہنچاتا ہے اور اسے کیا سلامتی کی دعا کرنا. کیا بات, تو پھر کیا کرتے تھے نبی؟ جب نبی کی بارگاہ میں خدا کا سلام پہنچایا جاتا تھا تو نبی اللہ کی حمد و ثنا بھیجتے تھے, یہ نبی کی طرف سے جواب ہوتا تھا سلام کا. تو حضرت جبریل آئے کہ آیا رسول اللہ آپ کا خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نواسے حضرت سیدنا حسین کے کشت انور سے نو امام پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. نو امام پیدا ہوں گے اور وہ دین اسلام کو مضبوطی بخشیں گے. سبحان اللہ. اے میرے بیٹے کے بارے میں بولے جی, حضرت حسین کی نسل سے نو, حضرت حسین 10, حضرت حسن 11, حضرت مولانا 12. سبحان اللہ. اس طرح اہل بیت کے 12 امام. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ حسین کی نسل سے نو امام پیدا ہوں گے اور وہ دین اسلام کو انتہائی مضبوطی بخشیں گے. اور یا رسول اللہ حسن مصطفیٰ کے پشت سے ایک ایسا عظیم امام پیدا ہوگا. سبحان اللہ. جو ان نو اماموں کے اوصاف و کمالات کا جامع ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شہید اللہ کے فضیلت آسی پوچھتے ہو, شہید اللہ کے فضیلت آسی ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت. سبحان اللہ. وہ نو اماموں نے جو اوصاف و کمالات سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر وہ تمام اوصاف و کمالات موجود ہوں گے, یہ حضرت جبریل نے اطلاع. سبحان اللہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا عظیم شخصیت ہے جن کی بارگاہ میں ہم حاجی صاحب قبلہ کے دولت قدے پر بیٹھ کر خراج یافتہ کو محبت پیش کر رہے ہیں, جن کا فرمان ہے کہ تم کسی بھی پریشانی میں پڑا ہو جاؤ میرے واسطے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. ہمارا دوسری حدیث حضرت امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا, میدان کربلا سے محض بیمار ہونے کی بنیاد پر واپس آئے تھے, جہاد کے میدان کے لیے وہ بھی تیار تھے. اگر سرکار حسین نے فرمایا تو بیٹا تم سے سادات کی نسل چلے گی, ہماری نسل دنیا میں پھیلے گی, اس لیے تم کو میدان جہاد میں نہیں جائے. حضرت امام زین العابدین ان کا نام ہے علی بن حسین, حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں, نام ان کا علی ہے. زین العابدین یہ ان کا لقب ہے, یعنی تمام عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت ہیں امام زین العابدین, کیونکہ ہر رات 1000 رکعت نوافل کی ادا کرتے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرائض سے باتیں, اللہ ہمیں اور آپ سب کو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق. مانسا صاحب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کا وقت قریب آیا, آپ کے پاس نانا جان امام النبی جین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص لباس بطور تبرک محفوظ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود پیرہن کے ٹکڑے برائے تبرک آپ نے محفوظ کر رکھا تھا, تو سرکار کا مخصوص لباس بھی آپ کے پاس تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود پیرہن بھی آپ کے پاس موجود تھے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کا ٹکڑا بھی تھا.
حضرت مولا علی کے بھی تبرکات آپ کے پاس موجود تھے اور چچا حضرت حسن مصطفیٰ کے بھی تبرکات آپ کے پاس موجود تھے. سرکار کا بھی مخصوص تبرک, مولا علی حضرت فاطمہ کا تبرک, حضرت حسن کا تبرک, حضرت حسین کا تبرک, یہ سب آپ کے پاس موجود تھا. آپ کے جو میرے سال بہت قریب آیا تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو طلب فرمایا. اس کو حضرت حسن, حضرت امام زین العابدین, ان کے پاس سارے تبرکات موجود تھے. سرکار کے بھی, حضرت حسین کے بھی, مولا علی کے بھی, حضرت فاطمہ کے بھی, اور اپنے چچا حضرت حسن حضرت علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت فرمایا. وصیت فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین, پانچویں صدی میں ہمارے چچا حسن مصطفیٰ کے نسل سے ایک تاجدار بلی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. یہ میری امانت ہے آپ کے پاس, جب ان کے ولایت کا ظہور ہو تو یہ سارے تبرکات شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا دیجیے. سوچیے کتنی عظیم شخصیت ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی بارگاہ میں اور آپ کے راضی رہے تو محبت پیش کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی, اللہ کے نبی تشریف لائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان سے بٹھا لیا اور ان کی پیشانی کو بار بار چومنے لگے. سبحان اللہ, جب میں نے حضور کو بار بار پیشانی کو چومتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آج حسن مصطفیٰ سے اس قدر محبت کا اظہار کیا؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ, ابھی آ کر مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے کہ میرے حسن کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ, اپنے تمام پیشرو اولیاء کے تعلق سے ارشاد فرمائے گا, قدمی حاضی علا رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کی تمام اولیاء کے قدم. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے بہت سارے اولیاء کی اطلاع دی ہے. حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے کہ شام میں ہمیشہ 40 ابدال ہوں گے, شام میں ہمیشہ 40 ابدال ہوں گے, انہیں کی برکت سے زمین والوں پر بارش ہوگی, ان کے رزق میں خوشحالی کرے. آقا نے فرمایا, جو جبریل نے اطلاع دی ہے کہ اسلام کے شام ایک بڑی پیدا ہوئی ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی سے آپ حضرت حسن ہی کے نسل سے ہیں. آپ تو نبی محترم ہیں, والد محترم آپ کے ابو صالح جلدی دوست ہیں, ان کی طرف سے آپ حسن ہی ہیں, یعنی والد کی طرف سے آپ کا نسل جا کر سرکار والے حسن سے ملتا ہے, اور والدہ حضرت ام الخیر ہم کو پار فاطمہ حسینی ہے, یعنی والدہ کی طرف سے ان کا نسل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتا ہے. اس لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے, اور اسی کو آج حضرت نے ارشاد فرمایا, تو حسینی حسنی کیوں نہ محید جی ہو, تو حسینی حسنی کیوں نہ محید جی ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں, والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. والد اپنے زمانے کے نہ صرف ایک ممتاز اللہ کے نبی تھے بلکہ حضرت ابو صالح جن کا نام سید موسیٰ تھا, جنگی دوست کے تعلق سے آپ نے اللہ سے سنا ہوگا کہ چونکہ وہ جہاد بہت کرتے تھے, جہاد کو پسند کرتے تھے, اس لیے ان کو جنگی دوست کہا جاتا ہے. لیکن مستند تاریخیں جو میں نے سرکار غوث اعظم کی پڑھی ہیں, سیرت نگاروں میں ایک واقعہ لکھا ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ یہ تشریف لے جا رہے تھے اور سامنے سے بادشاہ کے ملازمین شراب کا مٹکا سروں پر رکھ کر کے آئے تھے. آپ کی عبادت, ریاضت, تقویٰ, تقدس بڑا مشہور تھا.
आप लोग आदमी से पूछा तुम्हारे मटके में क्या है, शराब है, अवतारो शराब चढ़वाया और हजरत सैयदना अबू साले ने उन तमाम मटकों को तोड़ दिया, सारे मटकों को तोड़ दिया। जब सारे मटके तोड़ दिया तो आपने इसकी कोई परवाह नहीं की शहनशाह क्या करेगा, मुलाजमीन पर आपका तकद्दस इतना गालिब था कि वो क्यों नहीं हो सके, कुछ नहीं कह सके, वापस शहनशाह के पास गए। शहनशाह ने पूछा कि वो शराब के मटके कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि हजरत सैयदना अबू साले तशरीफ ला रहे थे, उन्होंने पूछा इसमें क्या है, मैंने कहा शराब है, तो उतरवाया उन मटके को तोड़ दिया। दूसरे दिन शहनशाह ने हजरत अबू साले को तलब कर तशरीफ ले गए, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, आईने जमा मर्दी गोइयो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबानी, वो किसी को खातिर नहीं लाते, अल्लाह से डरने का हक अदा कर देते हैं, इसलिए पूरी दुनिया उनसे डरा करती है मगर वो किसी से नहीं डरता। तो हजरत अबू साले तशरीफ ले गए, शहनशाह ने कहा शराब आपके बड़के तोड़वा लिया, भी कहा तोड़वा लिया मैंने, कहा तोड़वाया क्यों, कहा इसलिए कि मैं इस उम्मत में मुहतसिब मुकर्रर कर दिया गया, मुहतसिब ये रख दिया गया, मुहतसिब का माने हुआ अगर मैं किसी को नाजायज काम करता हुआ देखूंगा तो उसे रोकूंगा, उसे रोकूंगा, भलाई का हुक्म दूंगा, भलाई से रोकूंगा, ये मेरे जिम्मे काम ही सौंपा गया है, मैं मुहतसिब हूं। शहनशाह ने कहा किसने मुहतसिब मुकर्रर किया, कहा जिसके हुक्म पर तुम हुकूमत कर रहे हो उसी हुक्म पर मैं मुहतसिब होकर रह गया, कहा तोड़ क्यों दिया, भाई शहनशाह मैंने तुझको शफकत का मेहरबानी का मुजाहरा किया, हमने ये कहा कि तुझे दुनिया के लिए अजाब से बचा लूं और तुझे आखिरत के अजाब से भी बचा लूं, इसलिए मैंने शराब के मटके तोड़ दिए। शहनशाह पर इतना खौफ तारी हुआ कि उसने कहा हुजूर आज मैंने आपको भी अपने हुकूमत की तरफ से मुहतसिब मुकर्रर कर दिया। उसके बाद जब आप चले जाने नजदीक की तरफ जो आपसे मिलता वो कहता अस्सलाम वालेकुम या अबू साले जंगी दोस्त, और यूं आपका लकब जंगी दोस्त पड़ गया, यानी आप शहनशाह हो, क्योंकि फातिमा नहीं लाते हर शख्स से अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए एहतसाब करने के लिए तैयार रहते हैं। आप तो अगर आप छोटे को भी डांट लिए ये गुनाह का काम ना तो आपसे लड़ने लगेगा, उलमा समझाते समझाते थक गए, लेकिन आप खुद अपने घर में भी दे सकते हैं, बच्चे आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जवान हो जाते हैं, तो अगर आप उनको बुराई से रोकने की कोशिश करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, हालांकि वे भी सोचती है कि मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मुझको जो कुछ कहेगी मेरे मुस्तकबिल को रोशनो कामना करने के लिए कहेगी, मगर वो नाफरमानी कर मौत उसी मुकर्रर किया गया, उसी दिन से उनका नाता जल्दी दोस्त हो गया। मैंने अर्ज किया था कि मेरा एक ऐसा मंसब है जो इबादत से नहीं मिलता, ये महज पहले लड़ाई रहता है, और आपको मादर जादुड़ी थे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु, मादर जादुड़ी अल्लाह ने उनको मानसले विदायत विदादत से पहले ही अदा कर दी थी। अब उस पर दो वाकई आप समाप्त हो, आपकी वाली बात हजरत खैर हम तो फिर बार फातिमा इंसान फरमाते हैं कि अभी मेरे बेटे अब्दुल कादिर मेरे पेट में 5 माह के हमल से, यानी वो 5 ही माह उनके हमल को गुजरा था। एक दिन इत्तेफाक से मेरा घर खाली था, कोई चाय ला गया दरवाजे पर, उसने कुछ मांगा, और चूंकि इस खानदान की आदत थी कि किसी भी साहिल को दरवाजे से वापस नहीं कहेंगे, और आपसे भी गुजारिश है कि जब भी खुसूसन कोरोना के दौर में बड़े बड़े अच्छे लोग माशी एतबार से परेशान हो चुके हैं वाकाना, उनके लिए गुजारिश की जा रही हुकूमत से उनके लिए कुछ वजीफा दे दे,
ताकि वो अपने बाल बच्चों के तालीम और ताल्लुक का इंतजाम कर सके। आपसे ये खानदान ही बड़ा सफी था, सफी इब्न सफी थे, तो कभी इनके दरवाजे से अली शरीफ में भी आया है कि अगर कोई शख्स घोड़े पर बेसवार होकर तुम्हारे दरवाजे पर मांगने के लिए आए, उसे वापस ना करना, ना उसे झड़कना, खुदा जाने की मुसीबत में गिरफ्तार हुआ है उसके बाद तुम्हारे दरवाजे पे आया। तो आपके वालिदा फरमाते हैं कि अली अब्दुल कादिर मेरे पेट में पास मांगने के थे, घर में कोई मजदूर नहीं था, साजन आया, उसने सवाल किया, कोई बच्चा भी नहीं था कि वो उसके जरिए से भिजवा दे, भिजवा देगी। मैं फरमाती है कि मैंने सोचा ना खुद ही दरवाजे के यहाँ पे खड़े हो करके और साहिल को भेज दे, मगर वो साहिल बदकार था, उसने देखा मकान खाली है तो जबरदस्ती मकान में घुस गया। आपके वालिदा फरमाते हैं जब मैंने उसकी शरारत देखी तो मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे सहन में शेर जाहिर हुआ और उसने उस भिखारी के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए। अब ये वाकया दिमाग में आप रखिए। फिर एक दूसरा वाकया देखिए कि कैसे अल्लाह ने आपको मादरजात वली बनाया था, आपकी करामतों का जहूर मां के तेल ही से होने लगा था। फरमाती हैं अभी वो 8 महीने के थे तो मैं सेब अपना बाप पास सेब था उसे देखने के लिए गई तो एक सेब मुझे बेहद पसंद आया। जब मुझे सेब पसंद आया मैंने सोचा नवाजा कर सेब को तोड़ लूं उसे खा लूं, मगर जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाना था सेब की तरफ मेरे करेले में जिगर में मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने इतनी जोर से नाखून गड़ाया कि मैं दर्द से बेताब हो और सेब के खाने का इरादा तर्क कर दिया। जैसे ही इरादा तर्क किया मैंने क्या देखा उसे टहनी से सहीला सांप जमीन पे गिरा और लोगों से मार दिया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु विलादत के बाद 3 महीने को ये बोलने लगे, इशारा फरमाते हैं मां उस जहरीले सांप से बचाने वाला तुम्हारा बेटा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उस शेर की सूरत में जाहिर होने वाला भी तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह। ऐसे बड़ी थी हजरत सैयदना शेख उसी कस्बे का एक महिला था नीफ, रमजान की पहली तारीख को आपकी इजाजत हुई और 500 में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का 11 या 17 रबीउल आखिर को आपको एहसान किया। 2 तारीखें लिखी है उन्होंने माने 11 और 17, लेकिन राजे है ये कि आपका विशाल 17 को हुआ, जिस पर करीना ये है कि आपके विशाल से बात सुनने का आज तक बगदाद शरीफ में आपका उर्स 17 रबीउल आखिर ही को मनाया गया उसी जमाने से। 11 की तफसील तो इसलिए हो गई कि आपकी आदत करीमा थी कि हर चांद की 11 तारीख को आप अपने मशायख और बुजुर्गों के नाम से ही सारे समाज के लिए महफिल होकर हमारी और आपकी हाजरी को इस मुकद्दस महफिल में कबूल करना है हमारी और आप और हम सब।